गोल लागत नहीं समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। बड़ा खबर आ रहा बटुए, दुकान से घर लौट रहा युवक के बाजी गई गोली गई जीव। खबर का बटुए एकरा के विस्तार से बतावल जाए भोजपुरिया समाचार के माध्यम से। बता दही कि कौनो तरह उठा के नगर के गोलम्बर स्थित एगो निजी अस्पताल में पहुँचावल गई, जहाँ से डॉक्टर के द्वारा इनका के अन्यत्र रेफर कर दिया गया। आरा स्थित डॉक्टर विकास सिंह के यहाँ पहुँचलन, लेकिन पहुँचते इनकर प्राण पखेरु उड़ गए रहे, यानी इनकर जीवन खत्म हो गए रहे। नगर थाना क्षेत्र के सिंडिकेट इलाका के मामला हटुए, पुलिस के धर पकड़ अभियान हो गए बा शुरू। खबर का बटुए विस्तार से जानी। बड़ा खबर बक्सर जिला से आ रहा बटुए, जहाँ सबसे सुरक्षित क्षेत्र रमरेखा घाट आ सिंडिकेट मानल जाला, ओजा एक बार फिर से अपराधी अपन तांडव मचैले बड़न। नगर थाना क्षेत्र सिंडिकेट इलाका में दुकान से लौट रहा एगो युवक के गोली ठोक दिहल गई, गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करावल गई, जहाँ इनका के अन्यत्र रेफर कैल गई। परिजन के द्वारा आरा लेके गई गई, लेकिन ओजा पहुँचते डॉक्टर ओजा के मुँह और घोषित कर दिले। युवक रमरेखा घाट पे पटहेरा के दुकान चलावे वाला पप्पू पटहेरा 35 बरिस उम्र बटुए, जवन की प्रत्येक दिन की तरह रात तकरीबन 8:30 बजे दुकान बंद करके अपना घर लौटत रहे। यही बीच घर पहुँचे से कुछ दूर पहले ही गली में करा के गोली ठोक दिहल गई। गोली ठोके वाला अंधेरा के फायदा उठावत भाग निकल, नज़दीक से इनका कपार में गोली मारल गई बा। गोली मारला के बाद ये लोग फरार हो गई बा। जैसे ही गोली चले के आवाज़ लोग सुनले, लोग अपना घर से बाहरी निकलने, घर से बाहरी निकलते देखलन कि खून से लथपथ पटपू पटहेरा सड़क पे गिरल पड़ल बने। कौनो तरह इनका के उठा के नगर के गोलम्बर एगो निजी अस्पताल में पहुँचैले, जहाँ चिकित्सक के द्वारा कहल गई कि इनकर स्थिति खराब बा, इनका के कौन और अस्पताल में ले जाएंगे। बेहतर इलाज खातिर परिजन इनका के आरा स्थित डॉक्टर विकास सिंह के यहाँ पहुँचल, लेकिन पहुँचते युवक के मुँह अल घोषित कर दिया गई। घटना के सूचना मिलला के बाद मौका पे एसपी नीरज कुमार सिंह स्वयं पहुँच गईनी आ मामला के जाँच कैनी। पुलिस के कहना बा कि घटना कौना कारण से भइल बा एकर पता लगावे के कोशिश कइल जाता, परिजन से पूछताछ कइल जाता, हालांकि अब तक मामला स्पष्ट नहीं हो सकल। पुलिस अज्ञात अपराधी के खिलाफ गिरफ्तारी खातिर धर पकड़ शुरू कर दिले बिया, लेकिन भोजपुरिया समाचार के जौन सूत्र बता रहा बा, इस सूत्र के अनुसार जौन मामला निकल के आ रहा बा आपसी विवाद के मामला बटुए। अब आपसी विवाद काथी खाती बा, जमीन खाती बा या दुकान पे ही केहू से विवाद रहा, पुलिस खातिर ही अनुसंधान के विषय बटुए। लेकिन बड़ा खबर निकल के आ रहा बा, पटहेरा के दुकान चलावे वाला दुकानदार के अपराधी एक बार फिर से अपन शिकार बनैले बड़न। ई दुकानदार फूल आ साथे साथे जीवतिया उतिया गढ़े के माला बनावे के काम करत रहन। ई दुकान बंद कर के बेचारे अपना घरे राति खा लगभग 8:30-9 बजे के करीब जात रहन, अंधेरा के लाभ दे के अपराधी इनका के अपन शिकार बना लेले बड़े। पुलिस हालांकि DIO के टीम लागल भी है, अपना स्तर से छानबीन चल रहा बा। मौका पे ही वह दुकान हटुए जेकर वीडियो रूरा दर्शक लोग के देखावल जात रहे। यही दुकान में जौन के भी बंद पड़ल बा अपन दुकान चलावत रहनी पप्पू पटेरा, जहाँ पे अपराधी अपन घटना के अंजाम दे देले बड़े। मौका पे पुलिस चारों जगह से चेकिंग अभियान चला दे रहा है, जेकर वीडियो बटुए जौन की गोली ठोकले बड़े लोग अस्पताल ले जाए के भोजपुरिया समाचार भी लाइव वीडियो आइल बटुए, ओरा के दर्शक लोग के देखा रहा बटुए। नगर थाना के मामला बा, नगर थाना के अंतर्गत ही घटना के अंजाम दिहल गई बटुए। वह दुकानदार के दुकान हटुए हरा रंग के जौन पेंट बटुए, यही में ही दुकान चलावत रहन, जहाँ ई दुकान बंद करके देर संध्या अपना घरे जात रहन, तब तक घटना के अंजाम अपराधी दे दे मारे। भोजपुरिया समाचार एक एक खबर पनिका बनैले बा, सबसे पहले खबर तेज तरार देखैले बा। ऐसे दर्शक लोग से निहोरा बटुए कि चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं की पहले तो बेल आइकॉन के बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करके बताई कैसन लागल, अधिक से अधिक शेयर करी, ताकि देश ना विदेश तक भोजपुरी या भोजपुरिया समाचार के धमक पहुँचत रहे। धन्यवाद।